हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। क्या सिखाऊंगा आज गूगल शीट में, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये गूगल शीट ऑन है और यहाँ पर देख सकते हैं एक नेम की रेंज हमारे पास है, स्टूडेंट का नेम है। अब इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे ये रेंज काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो अभी इस जो रेंज है, इस रेंज में हमें सर्चेबल ड्रॉपडाउन तो आपने बहुत सीखा होगा, कई बार लगभग हर बार मैं ये भी बताता हूँ कि ड्रॉपडाउन कैसे बनाना है, क्या उसमें नए तरीके हो सकते हैं बनाने के, ये तमाम चीजें मैं हर बार लगभग तो बताता ही हूँ। सबसे पहले हम इस स्प्रेडशीट का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, सर्चेबल ड्रॉपडाउन, SERCHABLE सर्चेबल ड्रॉपडाउन, ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब ये सर्चेबल ड्रॉपडाउन हो गया यहाँ पे नाम। अब हम यहाँ पे सर्चेबल ड्रॉपडाउन बनाएंगे, तो बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। कई बार कोडिंग करके बनाया जाता है सर्चेबल ड्रॉपडाउन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप और भी तरीके यूज करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा तरीका चलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, तो इस रेंज को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, ये जो भी रेंज है यहाँ तक की, इसको मैं एक बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं और यहाँ से आप बॉर्डर लगा देते हैं। तो ये बॉर्डर लग गया है। अब आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से कलर हेडिंग को प्रोवाइड कर देता हूँ और इसे मैं बना देता हूँ बोल्ड, तो ये बोल्ड बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सर्चेबल ड्रॉपडाउन बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सवाल यही है। तो आपको सीधा कहाँ चले जाना है, डाटा टाइप पर, और डाटा टाइप में जाते ही आपको यहाँ पे नजर आएगा डाटा वैलिडेशन, तो आपको बस डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एड रूल। अब जैसे ही एड रूल पे जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है ना। अब इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, टेक्स्ट कंटेन, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, और तमाम इस तरह की चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, कस्टम फॉर्मूला और तमाम इस तरह की चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो फिलहाल तो हमें यही सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, क्योंकि हम एक रेंज से सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही ये करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको अभी देखते हैं हम ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम अ रेंज आप जरूर कर लीजिएगा। अब रेंज करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके ये जो रेंज है ना, ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर जाइएगा, ठीक है। ये पूरी रेंज जब सेलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि ड्रॉप डाउन और बढ़ जाए, नीचे और भी नाम बढ़ाए जाए, तो आप नीचे तक जा सकते हैं। तो जहां तक सेलेक्ट करेंगे वहां तक की ड्रॉप डाउन आप बना पाएंगे, ठीक है। और यहां से क्या करना है, यहां से ओके करना है। और अभी रुकिए, अभी कुछ और भी काम इसमें करने हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है सो हेल्प टेक्स्ट फॉर अ सेलेक्टेड सेल, तो क्या कोई हेल्प चाहिए, तो फिलहाल हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे वार्निंग हम करेंगे या रिजेक्ट द इनपुट करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज इसमें एंटर हो जाए जो इस रेंज में ना हो, ठीक है, कई बार हम एंटर भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ रिजेक्ट द इनपुट पे टिक करके और यहाँ से डन कर दीजिएगा इसको, तो ये काम हो गया है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज ड्रॉप डाउन के साथ आपको मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें एक काम और हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है इसमें एक काम तो और भी हो सकता है, क्या हो सकता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हो अलग अलग, जो कि पिछले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये रेड कलर कर दिया, इनका यहाँ पे ये कलर कर दिया, तो यहाँ पे अलग अलग कलर भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर चूज करके मैं बता भी रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो जितने हैं उतने कलर आप चूज कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ से आप कलर भी चूज करेंगे और जो कलर चूज करेंगे उसके साथ कलर भी आएगा। तो ये एक एडवांस फीचर थोड़ा सा जोड़ा गया है गूगल शीट में अभी, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इतना ही रखते हैं, यदि तो इसको भी कर लेते हैं कलर में, तो ये हो गया। अब यहाँ से डन करते हैं, तो डन किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसपे मैंने कलर अप्लाई किया वो एक अलग से कलर में भी ये आ रहा है, देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए नीचे भी और नाम जो है कलर में आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये कलरिंग भी हो जाएगी आपकी। लेकिन ये जो ड्रॉपडाउन बना, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे ही यहाँ पर आते हैं आप और यहाँ पर आप टाइप करते हैं R, तो आप देखेंगे कि R वाले सारे नाम अपने आप हाईलाइट हो जा रहे हैं, ये सर्चेबल बन गया, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आई प्रेस करेंगे तो देखिए रिंकू आ गया तुरंत, ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कि इस रेंज में आप कुछ बढ़ाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं RITESH कर देता हूँ रितेश, तो क्या ये ड्रॉपडाउन में ऐड होगा,
ये सवाल है, तो यहां पर आते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आर आई, देखिए जैसे ही आर टाइप किया ना तो रितेश भी आने लगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा जो है रो सेलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करेंगे, तो आपको फायदा होगा ये कि आप नीचे अगर ड्रॉप डाउन इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहां से इंक्रीज भी कर पाएंगे। अब जैसे आई टाइप किया तो देखिए आर आई से रिंकू भी होता है, रितेश भी होता है, तो अगर दोनों नाम अवेलेबल है इसमें तो वो दोनों नाम आपको शो कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है मैं आपको और भी दिखाता हूं इसमें करके, जैसे मान लीजिए एस टाइप किया तो एस वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए, ठीक है। जैसे वी टाइप किया तो वी वाले जो भी नाम है वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ए टाइप किया तो ए वाला तो कोई नाम ही नहीं है लग रहा है, ठीक है। जैसे जी टाइप किया तो जी वाले नाम हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, जे टाइप किया तो जे वाले नाम हाईलाइट हो गए, जैसे जैकी एक नाम है और एक जय नाम है, तो देखिए दोनों में से दोनों नाम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप सर्चेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, और इसमें कहीं कोई कोडिंग भी नहीं करनी है आपको, आसान है इस तरीके से भी बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अब इसी चीज को अगर आप एक्सेल में करना चाहें तो होगा क्या, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल का 2021 में ओपन करता हूं, इस बार ये 2021 है और थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट है, तो इसी को ओपन करता हूं और सेम डेटा हम उठाएंगे, यानी गूगल शीट से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा जो है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको डेटा, इसी को उठाता हूं मैं और यहां से कॉपी पेस्ट करूंगा। तो ये कॉपी किया हमने, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इसी को एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो यहां से जा करके और अब इसको करना है पेस्ट, ठीक है। तो यहां पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से साइज वगैरह बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये कॉलम छोटा पड़ रहा है तो इसकी साइज बढ़ा लिया, ठीक है। अब यहां पर हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कहां जाते हैं, तो डेटा टैब पे जाते हैं, डेटा टैब पे आ गए। अब कहां जाना है, तो डेटा वैलिडेशन पे जाना है। तो यहां पर देखिए डेटा वैलिडेशन आपको नजर आ जाएगा, यहां पे चले जाइएगा, क्लिक करिएगा और यहां पर आते हैं। तो यहां पर भी आपको लिस्ट मिलता है लेकिन फ्रॉम अ रेंज नहीं मिलता है। यहां पे लिस्ट पे आए तो अब यहां पे सोर्स दिखा रहा है, तो सोर्स में हमने इसको सेलेक्ट किया तो क्या पता कि शायद आ जाए, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लिया और यहां से हम ओके कर सकते हैं, यहां पे रिजेक्ट आप कोई देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, यहां पे सीधा आते हैं। अभी देखिए यहां पर आ गए हैं और यहां पर तमाम नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और ये इस तरीके का स्क्रॉलिंग जो है भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आते हैं और कोई एक नाम चूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर आकर के अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं आर, तो यहां पर क्या आर वाले नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर आपको आर वाले नाम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं जी भी टाइप कर देता हूं तो जी वाले नाम यहां पर आपको नहीं हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो गूगल शीट मेरे हिसाब से बेहतरीन है, और अगर आपको ऐसा एक्सेल में करना है तो बहुत अफोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा तब जाके ये ऐसा होगा जैसे गूगल शीट में हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे गूगल शीट में हम जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप डाउन बनाया है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे ही आर टाइप करता हूँ तो आर वाले नाम खाली हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जे टाइप करता हूँ तो जे वाले नाम हाईलाइट हो रहे हैं, एस टाइप करता हूँ तो एस वाले नाम हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सेल में देखिए इतने सिंपल तरीके से एक्सेल में आप नहीं बना सकते इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।